निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। हमारे बच्चे 20,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं। हमारे राज्य के भी छात्र फंसे हुए हैं। लगातार जो कॉल सेंटर खोले हैं उसमें अभी तक 70 लोगों ने संपर्क किया भी है और हम लोग हर स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से, विदेशी दूतावास से लगातार हम लोग सब संपर्क में हैं कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों को वापस छत्तीसगढ़ ला सकें। तो अभी चूँकि ये कूटनीतिक चर्चा तो भारत सरकार को ही करनी पड़ेगी, तो लेकिन हम लोग अपने स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारी नियुक्त किया है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सतत संपर्क में हैं।